हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका क्लास टीचर इमरान खान बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डी उन्नाव से। और आप सभी का मैं सिविल फाइनल ईयर क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा ये पहला ऑनलाइन लेक्चर है, जो कि हमारा ही सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है रेलवेज, ब्रिजेस एंड टनल्स पे। तो रेलवे, ब्रिजेस एंड टनल्स जो सब्जेक्ट है, इससे पहले भी ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो इसके विषय हैं वो पढ़ाए जाते थे, जैसे कि हाईवे इंजीनियरिंग है और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है, तो पहले भी वो पढ़ाए जाते थे। अब क्या किया है, इस बार बोर्ड ने इस सब्जेक्ट को, इन विषयों को एक अलग सब्जेक्ट में कंपाइल कर दिया है, जैसे कि आपका रेलवे है, ब्रिज है और टनल है। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में, इसका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है आपके पढ़ने के लिए। सिलेबस देखने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको पहले बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है। अगर सिलेबस आपको देखना है किसी भी सब्जेक्ट का, आपके कोर्स का, सिविल इंजीनियरिंग का, तो आप बोर्ड के वेबसाइट पे जाइए। वहां पे सिलेबस ऑप्शन में जाके जो पहला ही ऑप्शन है, रिवाइज्ड सिलेबस इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1920, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल के आएगा जिसमें कई सारे कोर्सेज हैं जिनके सिलेबस पड़े हुए हैं, लेकिन आपका सिलेबस देखना है जो कि सिविल इंजीनियरिंग का है। तो यहाँ पे सबसे पहले ही जो हमारा ये ऑप्शन है, 322 सिक्स सेमेस्टर डिप्लोमा कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सिलेबस यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये क्या है, करिकुलम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और इसे डेवलप किया है करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चंडीगढ़। तो इस फाइल में आपको सारे ही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सारे सेमेस्टर के, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस आपको मिल जाएगा एक ही फाइल में। बट अभी के लिए आपको जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर है वो सब्जेक्ट्स पे आपको ध्यान देना है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, दूसरा है रेलवेज, ब्रिजेज एंड टनल्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तीसरा है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग टू, सर्वेइंग वन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये ड्राइंग का सब्जेक्ट है, एंड द लास्ट वन इज यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। तो मुझे आपको पढ़ाना है रेलवे, ब्रिजेज एंड टनल्स। तो देखते हैं इसका सिलेबस। अब ये फाइल 200 से ज्यादा पेज की है, तो आप स्क्रॉल करके भी नीचे जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट जाने के लिए पेज नंबर 143 पे हम जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 143 पेज पे आपका सिलेबस पड़ा हुआ है रेलवेज, ब्रिजेज एंड टनल्स का। नाउ व्हाट दिस से, लेट अस सी, द सब्जेक्ट विल केटर टू द नीड्स ऑफ दोज टेक्नीशियंस हु वुड लाइक टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, ब्रिजेस एंड टनल्स। The subject aims at providing broad-based knowledge regarding various components and construction of railway track, bridges and tunnels. Subject क्या कह रहा है आपसे कि ये subject उन सभी engineers को, चाहे वो diploma engineer हो या degree engineer हो, पढ़ना अनिवार्य है जो railway या bridge या tunnel के निर्माण कार्यों में जाने के इच्छुक हैं, जो कंस्ट्रक्शन और फील्ड साइट पे जाके काम करने के इच्छुक हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना आ रहे हैं। सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको इसके बारे में कई काफी नॉलेज मिलेगी, रेलवे हो चाहे ब्रिज हो या टनल हो। जैसा कि सब्जेक्ट के टाइटल में ही तीन पार्ट दिए हुए हैं, सब्जेक्ट भी आपका थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट आपका पार्ट वन है रेलवेज का, सेकेंड पार्ट है आपका ब्रिजेस का, और थर्ड पार्ट है आपका टनल्स का। एक बार वेटेज देख लेते हैं तीनों पार्ट्स का, जो वेटेज दिया है इस तरह से दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। यहाँ पे देखिए टॉपिक नंबर वन यानी कि रेलवेज का जो वेटेज है वो 36 मार्क्स का है, और दूसरा ब्रिजेस का जो वेटेज है वो 36, वो भी सेम है, और टनल्स का जो वेटेज दिया है वो 28% है। यानी कि तीनों ही आप परसेंट मिला के अगर आप देखेंगे तो 100% आपका यहाँ पे हो जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज given in the syllabus, here it is your part 1,
तो पार्ट वन में रेलवे रेलवे के बारे में आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा इसमें। उसके बाद मास ट्रांजिट सिस्टम जैसे कि मेट्रो, मेट्रो क्या है, मेट्रो इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ मास ट्रांजिट सिस्टम जो आजकल अर्बन सिटीज में आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन हो भी रहा है। ऑलरेडी लखनऊ में मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है और कानपुर में भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन और विभिन्न शहरों में भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। मोनोरेल एक एडवांस टाइप है मास ट्रांजिट सिस्टम का जो मेट्रो के बाद विकसित भी हुआ है और ये भारत के कई शहरों में जो बड़े शहर हैं वे कंस्ट्रक्शन इसका हुआ है और ये चल भी रही है। फॉर एग्जांपल मुंबई में मोनोरेल अभी चल रही है। मेट्रो से ये थोड़ा सा डिफर करती है, इसका जो पटरी है पैटर्न है चलने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है मेट्रो से, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब क्लास में या आगे के लेक्चर्स में। इसके बाद है ट्यूब सिस्टम। ट्यूब मास ट्रांजिट सिस्टम अभी इंडिया में प्रेवलेंट नहीं है, ट्यूब सिस्टम बाहर के देशों में अभी ये नई टेक्नोलॉजी है जो चल रही है, बहुत ही जल्द हो सकता है ये भारत में भी लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेलवे सर्वेस। रेलवे का कंस्ट्रक्शन पहले से करने से पहले जो सर्वे किया जाता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट वे डिस्क्राइबिंग इट्स कॉम्पोनेंट पार्ट। नाउ परमानेंट वे, परमानेंट वे क्या होता है सभी जानते हैं, सभी ने देखा भी है, जो पटरियां होती हैं रेल की उसे ही हम, उसके क्रॉस सेक्शन को हम परमानेंट वे कहते हैं। और उसके पार्ट्स, पार्ट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक पटरी खुद एक पार्ट होती है, दूसरा पटरी के नीचे जो स्लीपर होता है कॉन्क्रीट का आप सभी ने देखा होगा, उसके नीचे जो बैलास्ट या गिट्टी जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े वो, ये सब मिलके परमानेंट वे या शॉर्ट में हम पी वे कहें इसको, ठीक है। नेक्स्ट है रेल गेज। रेल गेज दोनों पटरी के बीच के दूरी, ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स की होती है इंडिया में, ये नैरो गेज होती है, मीटर गेज होती है, ब्रॉड गेज होती है। आम भाषा में अगर आपने सुना होगा तो छोटी लाइन बड़ी लाइन वो गेज को ही कहते हैं, ठीक है। छोटी लाइन यानी कि नैरो गेज या मीटर गेज, और ब्रॉड गेज जो होती है वो बड़ी लाइन को कहा जाता है, आम भाषा पे लोग बोलते हैं। इसके बाद है रेल्स पटरियां उसके टाइप्स। रेल वेल्डिंग, रेल पटरियों को एक पटरी को दूसरी पटरी से जब जोड़ा जाता है तो उसे वेल्डिंग से या बोल्ट से जोड़ा जाता है। रेल फास्टनिंग्स, इसमें आपको रेल फास्टनर्स पढ़ने हैं जो पटरी को स्लीपर्स के साथ जोड़ते हैं, जो बोल्ट्स हो गए, प्लेट्स हो गई, जो भी चीजें हम यूज करेंगे रेल पटरी को स्लीपर के साथ जोड़ने के लिए वो हो गए रेल फास्टनिंग्स। स्लीपर्स मैंने आपको बताया अलग अलग टाइप के स्लीपर्स होते हैं, लकड़ी के भी स्लीपर आते थे पहले, फिर मेटल के आने लगे, आयरन के आने लगे, और धीरे धीरे वो अब कॉन्क्रीट और प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट सब यूज होते हैं। बैलास्ट जो गिट्टी होती है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग एंड सिग्नलिंग, जहां पर पटरी एक दूसरे से क्रॉस करती है, या कह लो कि जो ट्रेन होती है वो पटरी चेंज करती है एक पटरी से दूसरी पटरी, वहां पे आपका जो क्रॉसिंग्स हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। और सिग्नल्स, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, किसी भी चीज का अगर मेंटेनेंस नहीं रखा जाएगा तो वो चीज अपने जो सर्विस लाइफ है उसकी वो फुलफिल नहीं करेगी, इसीलिए ट्रैक का मेंटेनेंस जरूरी है, उसका गेज का मेंटेनेंस, उसके लेवल का मेंटेनेंस, उसके जॉइंट्स, इट विल कवर एवरीथिंग। अर्थवर्क एंड ड्रेनेज, अर्थवर्क यानी कि कहीं पे पटरी का लेवल, जो पटरी का लेवल होता है वो एक ही समान लेवल पे रखा जाता है, इसलिए कहीं पे अगर घाटी है तो वहां पे अर्थ फिलिंग होती है, कहीं पे अगर हिल है तो वहां पे कटिंग होती है, यानी कि पटरी जो है हमें पटरी को ज्यादा स्लोप नहीं दे सकते, उसको एक समान लेवल पे हमें ट्रेन को दौड़ाना है तो उसके लिए कहीं पे भी कहीं कहीं भराव करना पड़ता है, कहीं कहीं कटाव करना पड़ता है, डेट इज अर्थवर्क। ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज टू ड्रेन आउट द वाटर आउट ऑफ द परमानेंट वे। परमानेंट वे आपकी पटरी पे जो पानी आता है, बारिश का पानी हो या ट्रेन का जो टॉयलेट का एफ्लुएंट होता है उसका पानी हो, कैसा भी पानी हो पटरी पे नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम किया जाता है ताकि पटरी पर पानी ना रुके। यदि पानी रुकेगा तो वो आपके जो पटरी के जितने भी भाग हैं, जैसे पटरी है, स्लीपर है, बैलास्ट है, वो सबको वो खराब करेगा।
इसके बाद लास्ट टॉपिक जो रेलवे सेक्शन में है वो है स्टेशन एंड यार्ड्स। इसमें आप पढ़ेंगे स्टेशंस कितने टाइप के होते हैं और यार्ड्स क्या होते हैं और यार्ड्स कितने टाइप के होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट इज ब्रिजेस। ब्रिज यानी कि पुल या सेतु। इसमें इंट्रोडक्शन, ब्रिज, उसके कंपोनेंट्स, कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर एक ब्रिज तैयार होता है, ठीक है, या ब्रिज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या महत्व है वो हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन अ ब्रिज एंड अ कलवर्ट। ब्रिज और कलवर्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सब मैं आपको डिटेल में आगे लेक्चर्स में बताऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस। अब ब्रिज को अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू लाइफ, जिस ब्रिज की लाइफ ज्यादा होती है या ज्यादा रखी जाती है। सपोज कोई ब्रिज 50 साल के लिए डिजाइन किया जाता है या 100 साल के लिए डिजाइन किया जाता है, वो ब्रिजेस होते हैं परमानेंट। और कुछ ब्रिजेस टेम्पररी होते हैं, जिनको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, और वो जब पर्पस खत्म हो जाता है उसके बाद वो ब्रिज वहां से हटा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेली ब्रिज, जो बेली ब्रिजेस होते हैं उनको आर्मी है जो बॉर्डर के पास रहती है वहां पे बेली ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करती है, और जब उनका काम खत्म हो जाता है वो वापस उस ब्रिज को अनइंस्टॉल कर देती है या उसको खोल देती है, ताकि सीमा की उस तरफ से लोग इधर ना आ पाए। तो ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बेली ब्रिजेस क्या होते हैं, टेम्परेरी ब्रिजेस क्या होते हैं। अगला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का है वो है अकॉर्डिंग टू डेक लेवल, डेक थ्रू एंड सेमी थ्रू। डेक क्या होता है, डेक ब्रिज का सबसे ऊपरी भाग होता है जिस पे गाड़ियां चलती हैं, उसे हम डेक कहते हैं, ठीक है। तो डेक के बेसिस पे भी ब्रिज को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मटेरियल। अब ब्रिज लकड़ी का भी हो सकता है, मेसनरी यानी कि चिनाई का भी हो सकता है, स्टील, आरसीसी या प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट का भी हो सकता है। तो जो मटेरियल यूज किया गया है कंस्ट्रक्शन में उसके बेसिस पे भी हम ब्रिज को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फॉर्म। ब्रिज का स्ट्रक्चर कैसे दिया गया है, ग्रेड सेपरेटर है। ग्रेड सेपरेटर, ग्रेड मतलब लेवल होता है, ग्रेड सेपरेटर यानी कि अलग अलग ग्रेड पे या अलग अलग हाइट पे, जैसे कि ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज क्या होता है, एक रोड के ऊपर से जो ब्रिज जाता है, जैसे हम फ्लाईओवर कहते हैं आम भाषा में, तो वो होता है ग्रेड सेपरेटेड ब्रिज। अंडर ब्रिज जो रोड के अंदर से जाता है उसे हम कहते हैं अंडर ब्रिज। अंडर ब्रिज आपने न्यूज में भी देखा होगा, जो किसी भी कह सकते हैं रोड के नीचे से जाते हैं ब्रिज, वो अंडर ब्रिज कहलाते हैं। नेक्स्ट इज बीम टाइप। जिस बीम का हमने यूज किया है ब्रिज कंस्ट्रक्शन में उस पर डिपेंड करता है, इट कैन बी आरसीसी, टी बीम, स्टील गर्डर्स, ये सब आपको डिटेल में मैं लेक्चर से आगे के लेक्चर में बताऊंगा। आर्च टाइप ब्रिज। आर्च आपने पढ़ा होगा, आर्च आर्च होता है, सर्कुलर आर्च होता है, पैराबोलिक आर्च होता है, टू हिंच, थ्री हिंच। तो आर्च ब्रिजेस भी होते हैं जिनके नीचे आर्च को बना के उसको सपोर्ट किया जाता है। सस्पेंशन टाइप ब्रिजेस आर दोज ब्रिजेस जिसको हम लटकाते हैं ऊपर से, जैसे लक्ष्मण झूला, जो ऊपर से लटकाए जाते हैं जो ब्रिजेस, उन्हें हम कहते हैं सस्पेंशन टाइप ब्रिज। अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ हाइएस्ट फ्लड लेवल, सबमर्सिबल एंड नॉन सबमर्सिबल, ये जहां पे पानी के ऊपर ब्रिजेस बनाए जाते हैं वहां पे इसको देखा जाता है। IRS, IRC, इंट्रोडक्शन टू IRS एंड IRC, आई विल टेल यू इन द लेक्चर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ रेलवे रोड ओवर ब्रिज। ROB स्टैंड फॉर रेल रोड ओवर ब्रिज एंड RUV स्टैंड फॉर अंडर ब्रिज। प्रीकास्ट कॉम्पोनेंट्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ RUV। इसके बाद ब्रिज फाउंडेशन। नाउ सी, ब्रिज फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिविल इंजीनियर, क्योंकि ब्रिजेस जो होते हैं वो रोड के ऊपर भी बनते हैं, नदी के ऊपर भी बनते हैं, समुद्र के ऊपर भी बनते हैं। तो डिपेंड करता है ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, उसकी फाउंडेशन पानी में है या पानी में नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेल फाउंडेशन जो होती है, जो भी ब्रिजेस आपके
किसी वाटर बॉडी के ऊपर बनाए जाते हैं, जैसे नदी के ऊपर अगर बन रहा है ब्रिज, या किसी बड़ी झील के ऊपर बन रहा है, या समुद्र के ऊपर बन रहा है, जिसकी फाउंडेशन आपको नीचे पानी के अंदर अंडर वाटर कंक्रीटिंग करनी है, वहां पे वेल फाउंडेशन बनाया जाता है। पाइल फाउंडेशन जो ब्रिजेस आपके फ्लाईओवर जैसे रोड पे बनते हैं, या मेट्रो के जो ब्रिज बन रहे हैं उसके जो कॉलम्स हैं उनकी जो फाउंडेशन है वो पाइल फाउंडेशन रखी जाती है। ओपन फाउंडेशन, ऑर्डिनरी फाउंडेशन होती है, बहुत ही कम यूज होती है। नेक्स्ट इज पियर्स, अबटमेंट्स, रिटेनिंग वॉल्स, विंग वॉल्स एंड टो वॉल्स, ये सभी ब्रिज के पार्ट्स हैं। ये आपको मैं लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा विद फिगर्स, जो आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके, ब्रिज बियरिंग्स, ब्रिज बियरिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रिज बियरिंग्स वो ब्रिज का एक इंटीग्रल पार्ट होती है, जो ब्रिज के सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करती है। डेक स्लैब जो ब्रिज का होता है वो बियरिंग के ऊपर रखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर रोड पे जो फ्लाईओवर होते हैं, या आप अगर नहीं देखा तो आप देखना कि जो रोड पे जो फ्लाईओवर बने होते हैं, आप नीचे से देखना उसको, जो ऊपर का जो स्लैब है उसका, ब्रिज का या फ्लाईओवर का, वो कॉलम के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखा होता है। कॉलम और डेक के बीच में एक प्लेट आपको दिखेगी, या कुछ वहां पे एक छोटा प्लेटफॉर्म दिखेगा बना हुआ, वो लोहे का भी हो सकता है, वही बियरिंग्स होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं, फिक्स प्लेट, रॉकर एंड रोलर और पिन बियरिंग, इलास्टोमेरिक बियरिंग भी अब आने लगी हैं, पीटीएफई बियरिंग और स्लाइडिंग बियरिंग। ये सारी बियरिंग्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। उसके बाद है सुपर स्ट्रक्चर, जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है ब्रिज का। मेंटेनेंस, अगेन ब्रिज का भी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसमें फेलियर्स होंगे, क्रैक्स आएंगे, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, और अल्टीमेटली उसकी सर्विस लाइफ घट जाएगी। द लास्ट पार्ट एंड द थर्ड पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट इज टनल्स, यानी कि सुरंग। टनल्स में डेफिनेशन एंड नेसेसिटी ऑफ टनल्स। नाउ टनल्स की नेसेसिटी, टनल्स बनाने में बहुत खर्चा आता है एज कम्पेयर टू रोड एंड रेलवे, टनल्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू बी कंस्ट्रक्टेड। इसीलिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि टनल बनाने की आवश्यकता है या नहीं, खास तौर पे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो हिल एरियाज होते हैं, वहीं पर टनल्स बनाए जाते हैं और वहीं पर वो फीजिबल भी होते हैं, यानी कि जितना उसमें खर्च होता है उतनी जरूरत वो पूरी कर सकें, इसलिए इसको देखा जाता है कि टनल्स के कहां कहां पे नेसेसिटी है और कहां पे नहीं है। मेथड ऑफ टनलिंग, मेथड्स, टनल बनाने के कई सारे मेथड्स हैं, वो डिपेंड करता है साइट पे, आपकी साइट कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, स्टेबलाइज्ड है या नहीं है, स्लोप, एवरीथिंग, द टोपोग्राफी, सभी चीजें देख के उसके बाद फिर मेथड को सेलेक्ट किया जाता है कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। मेथड यूज करने के बाद फिर हम मशीनरी देखते हैं, उस मेथड में कौन कौन सी मशीनरी यूज होगी, वो मशीनरी हम पढ़ेंगे टनल बनाने के लिए जो यूज होती हैं। टिपिकल सेक्शन ऑफ टनल्स फॉर अ नेशनल हाईवे एंड अ सिंगल एंड डबल ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक, सेक्शन ऑफ अ टनल। अब टनल का सेक्शन आप कैसे डिसाइड करोगे, आप उसमें से आपको पहले देखना पड़ेगा कि टनल आप किस लिए बना रहे हो, एक रेलवे लाइन के लिए आप टनल बना रहे हो या एक रोड के लिए। यदि रोड के लिए बना रहे हैं तो वो सिंगल लेन है या डबल लेन है, डिपेंड करेगा, वही आपका जो सेक्शन है टनल का डिसाइड करेगा। इसके बाद वेंटिलेशन, टनल के अंदर अगर आपका टनल काफी लंबा है तो उसमें वेंटिलेशन देखना पड़ेगा कि प्रॉपर एयर सर्कुलेट हो रही है, अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो अंदर जो भी उसमें ट्रेवल करेंगे पैसेंजर्स या ड्राइवर्स, उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी ड्यू टू रिड्यूस्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ड्रेनेज मेथड, अगेन पानी जो है आपके टनल में नहीं रुकना चाहिए, जो भी पानी बारिश का हो या सीपेज का हो या ग्राउंड वाटर हो, अगर टनल में आके इकट्ठा होता है तो जो भी आपने टनल के अंदर बनाया है, वेदर रेलवे, रोडवे, वो आपका अल्टीमेटली पानी उसको खराब करेगा, तो यू हैव टू इंश्योर कि देयर इज प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी अवेलेबल इन योर टनल टू ड्रेन आउट द वॉटर। ओके, डिटेल में हम सब आगे इसको लेक्चर्स में पढ़ेंगे।
लाइटिंग अगेन, टनल्स के अंदर अंधेरा रहता है, सो यू हैव टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल लाइटिंग, यू कैन नॉट प्रोवाइड नेचुरल लाइटिंग, या सनलाइट आप डायरेक्ट नहीं दे सकते अगर टनल्स लंबे हैं आपके, तो आपको लाइटिंग के अभी अंदर व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे रोड पे लाइटिंग की व्यवस्था करते हैं हम लोग रात में, सिमिलरली टनल में भी लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन फर्क इतना है कि रोड में लाइट रात में चाहिए होती हैं, टनल में लाइट आपको 24 घंटे प्रोवाइड करनी है। सो हियर कंप्लीट्स योर टनल, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट खत्म होता है। हाल ही में एक न्यूज में एक टनल आया था अभी, अगर आप लोगों ने देखा हो, जिसका उद्घाटन हुआ है, उस टनल की लंबाई थी लगभग 9 किलोमीटर या उससे ज्यादा है। और मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप उस टनल के बारे में आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि वो टनल कौन सा है, उसका नाम क्या है, उस टनल को किसने बनाया, उसका किसने किया, उद्घाटन किसने किया, और उसकी लंबाई, या जो भी आपको डेटा मिलता है आप सर्च करना उस पे इंटरनेट पे, जो भी आपको डेटा मिलता है आप उसको कमेंट सेक्शन में, यही नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई विल सी कि आप लोग कितना सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। फील्ड विजिट इस सब्जेक्ट क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का ही मिक्सचर है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक ब्रिज, टनल का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ब्रिज या रेलवे साइट पे एक फील्ड विजिट कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपको लेके भी जाऊंगा। नाउ थोड़ा सा देख लेते हैं इसका असेसमेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा सब्जेक्ट का असेसमेंट कैसे होगा। असाइनमेंट जो भी आपको दिए जाएंगे और क्विज क्लास वो आपको देने हैं, मिड टर्म एंड एंड टर्म रिटन टेस्ट होंगे वो भी आपको देने होंगे, उसके बेसिस पे आपका असेसमेंट होगा। प्रेजेंटेशन मैं सभी स्टूडेंट से प्रेजेंटेशन लूंगा इस बार, तो टॉपिक्स मैं आपको बाद में दूंगा, उसके बाद आप उस पर प्रेजेंटेशन देंगे क्लास में या ऑनलाइन जैसे भी हो सकेगा। मॉडल मेकिंग, इस बार सभी को मॉडल बनाना है। मैं क्लास में ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा और हर ग्रुप से एक मॉडल आप लोग बना के प्रेजेंट करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग, जो फील्ड विजिट होगी उसकी रिपोर्ट आप बना के सबमिट करेंगे, वो भी असेसमेंट में आएगी। एंड द लास्ट इज वाइवा वॉस। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स विच विल गवर्न द असेसमेंट ऑफ योर इंटरनल एंड सेशनल मार्क्स, असाइनमेंट्स, मिड टर्म टेस्ट, एंड टर्म टेस्ट, प्रेजेंटेशन, मॉडल मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड वाइवा वॉस। हाँ, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं, हालांकि ये दिया हुआ यहाँ लिखा नहीं है, बट आई विल ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन आपकी अटेंडेंस, अगर आपकी क्लास अटेंडेंस कम होगी वो भी आपके सेशनल्स पे प्रभाव आएगा, तो मेक श्योर कि यू विल अटेंड ऑल योर ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस ऑफ दिस सब्जेक्ट। लास्ट में देखते हैं आपके जो सिलेबस में कुछ बुक्स रिकमेंड की हुई हैं इन्होंने, जैसे कि रेलवे इंजीनियरिंग बाय वासवानी, रेलवे इंजीनियरिंग बाय रंगवाला, इसमें से कई सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं, जैसे रंगवाला मैंने पढ़ी हुई है रेलवे की, ब्रिज में मैंने विक्टर जॉनसन पढ़ी हुई है, और टनल में मैंने ये सक्सेना सर की एक बुक आती है सुभाष जी सक्सेना की, ये भी पढ़ी हुई है। हालांकि ये बुक्स जो है वो सब टेक्स्ट बुक हैं और काफी डिटेल्ड में इसमें दिया हुआ है, तो अभी के लिए मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप इनमें से कोई बुक खरीदना, ठीक है। मैं मेरे सामने देखता हूँ जो बोर्ड का जो सिलेबस है उसके बेसिस पे अगर कोई बुक आती है वो मैं आपको बाद में सजेस्ट करूंगा। अभी के लिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप एक अपनी कॉपी बनाइए अलग से इस सब्जेक्ट की, RBT की, उसमें आप सबसे पहले ये सिलेबस जो मैंने आपको पूरा बताया है ये सिलेबस आप लिख लीजिए, ठीक है। और जितना मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ऑनलाइन या ऑफलाइन उसके नोट्स आप उसी कॉपी में बनाएंगे। इसमें से कोई भी बुक अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, बुक कौन सी लेनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगले लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगा, तो सभी लोग इसमें जुड़ें, और अगर कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ये वीडियो आपको गूगल क्लासरूम पे भी मिलेगा और व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहेगा देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।